पंजाब असेंबली की तहलील का मामला, इस पर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ में दूरियां बरकरार हैं। दोनों पार्टीज में सियासी मुस्तकबिल पर अहम मुज़ाकरात। इमरान खान चौधरी परवेज इलाही को मशरूत इंतखाबी एडजस्टमेंट देने को तैयार। काफली की उम्मीदवारों को इलेक्शन बल्ले के निशान पर लड़ना होगा। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे जावेद फारूकी। पीटीआई और काफ लीग में सियासी मुस्तकबिल पर अहम मुज़ाकरात। पंजाब असेंबली की तहलील के एविस चेयरमैन पीटीआई ने मशरूत इंतखाबी एडजस्टमेंट की पेशकश कर दी। इमरान खान ने आइंदा इलेक्शन में 6 कौमी और 22 सूबाई सीटों की पेशकश की। इमरान खान ने शर्त आयद की है, काफ लीगी उम्मीदवारों को इलेक्शन पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले पर लड़ना होगा। ज़राए के मुताबिक पैकेज में वज़ारत आला समेत किसी बड़े ओहदे की यकीन दहानी शामिल नहीं। चौधरी परवेज इलाही ने अभी तक पेशकश का जवाब नहीं दिया। काफ लीगी रहनुमाओं में अपनी इंफरादी हैसियत खत्म करने पर शदीद तहफ्फुज़ात हैं। ऐसे में परवेज इलाही की चौधरी शुजात हुसैन से राब्तों की बहाली भी अहमियत रखती है। ज़राए के मुताबिक इंतखाबी डील असेंबली तहलील के मामले पर बराहे रास्त असरअंदाज होगी। जावेद फारूकी, समा, लाहौर।